डॉक्टर शर्जुन ने आप सबका स्वागत है नीट बडी में लेट्स विद डायग्राम ऑफ द डे सो दिस इज डायग्राम 16.2 पॉइंट टू अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन जॉ ऑन वन साइड एंड द सॉकेट ऑन द अदर साइड सो बेसिकली ये आपको अरेंजमेंट ऑफ टीथ दिखा रहा है एंड ये सॉकेट में अरेंजमेंट ऑफ तीत दिखा रहा है दिस डाइग्राम सो अगेन यहाँ पर जो आपको याद रखने की चीज़ है वो क्या क्या है डेंटिशन आपको याद रखना है तीत का नंबर ऑफ तीत याद रखने हैं एनामल क्या है ये पता होना चाहिए आपको एंड फाइनली डेंटल फॉर्मूला आपको ह्यूमंस का पता होना चाहिए तो डेंटिशन की हम अगर बात करें देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेंटिशन फाइन सो थ्री टाइप्स ऑफ डेंटिशन में फर्स्ट इज योर हेटेरो Dont type of dentition. Second is your diphyodont type of dentition. And finally, your thecodont type of dentition. So, what is thecodont type of dentition? Thecodont means the teeth are embedded. So, if you see in this diagram. यहाँ पे क्या आपका सॉकेट दिख रहा है ठीक है जॉ में सॉकेट दिख रहा है मतलब ये कि इन सॉकेट्स में आपके तीत जाके बैठते हैं इन द जॉ जॉ के अंदर मतलब द आर एम्बेडेड इन द जॉ इस टाइप ऑफ डेंटेशन को हम डेंटेशन बोलते हैं नेक्स्ट इज योर हेटेरोडोन टाइप ऑफ डेंटेशन सो इफ यू सी इन द डायग्राम देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तीथ वी हैव द एनसाइजर्स वी हैव द केनाइंस वी हैव द प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स फाइन इंसाइजर्स कैनाइंस प्रीमोलर एंड मोलर तो हमारे पास बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ तीथ आर प्रेजेंट दैट इज योर इंसाइजर्स द कैनाइन द प्रीमोलर एंड मोलर इस टाइप के डेंटिशन को जहाँ पर सारे तीथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं हेटेरोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन एंड फाइनली डाइफायोड टाइप ऑफ टेंटिशन वॉट इज डाइफायोड टाइप ऑफ टेंटिशन सो ह्यूम हैव टू सेट्स ऑफ तीथ टू सेट्स ऑफ तीथ मतलब ये कि हमारे पास एक टेम्प्रेरी तीत आता है फिर हमारे पास परमानेंट तीत आता है सो so, जो हमारा टेम्परे तीत है दिस गेट्स रिप्लेस बाय परमानेंट तीथ तो हमारे पास दो सेट है टू मीन्स डाई सो डाई फाइव डोंट मीन वी हैव टू सेट्स ऑफ तीथ तो ये तो बात होगी हमारी टाइप्स ऑफ डेंटिशन की तो नंबर ऑफ तीत की बात करें तो अडल्ट में कितने होते हैं और इन्फेंट में या फिर बच्चों में कितने होते हैं सो अडल्ट की हम बात करें सो वी हैव थर्टी टू पोमेंट तीत एंड बच्चों की अगर हम बात करें वी हैव ट्वेंटी तीथ दैट आर टेम्प्ररी तीत और डेसीडियस तीत फाइन सो थर्टी टू पोमेंट तीथ है और उसमें ट्वेंटी हमारे temporary teeth or deciduous teeth now what is enamel now enamel is the hardest substance of the body and what is enamel it is the covering of the teeth covering of teeth why do we re require this enamel or covering of teeth for the process of mastication what is mastication mastication is च्यूइंग ऑफ फूड जो हम खाना चबाते हैं उसको हम मैस्टिकेशन बोलते हैं मैस्टिकेशन इज द मैकेनिकल टाइप ऑफ और मैकेनिकल मेथड ऑफ डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन फाइन सो so, माउथ में खाने को चबाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वो चबाने के लिए हमारे पास दांत है एंड दांत की कवरिंग को हम बोलते हैं इनामल या दांत की कवरिंग इनामल की बनी होती है नाउ लेट्स गेट डाउन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर डेंटल फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मेजोरिटी चीज़ें आपकी एनसीआरटी में दे रखी है नाउ डेंटल फार्मूला आपको याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक ट्रिक आता है इसमें ये ट्रिक आता है कि डेंटल फार्मुल ऑफ अडल्ट एंड डेंटल फार्मुल ऑफ चिल्ड्रन आर एक्चुअली डिफरेंट क्यों क्योंकि अडल्ट के पास थर्टी टू तीत है और टेम्प्रेरी तीत या बच्चों की बात करेंगे ट्वेंटी सेट्स ट्वेंटी पेय ट्वेंटी तीत बीस दांत हैं वहाँ पर और अडल्ट के पास हमारे पास थर्टी टू दांत है सो डेंटल फार्मल ऑफ अडल्ट की हम बात करें तो इट इज़ वेरी सिंपल ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री किस सीक्वेंस में होता है सीक्वेंस योर इन्साइजर्स कैनाइंस प्रीमोलर्स मोलर्स बाई इन्साइजर्स कैनाइंस प्रीमोलर मोलर बेसिकली ये एक क्वाड्रेंट है मतलब कि अगर आपके मुंह को हम चार पार्ट में डिवाइड कर ले तो नीचे वाला पार्ट या ऊपर वाला पार्ट इस डायग्राम में शो किया गया है एक जॉ में ठीक है ऊपर एक जॉ है नीचे एक जॉ है अब उसको भी अगर हम हाफ में डिवाइड कर दें तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया ठीक है सो so, एक क्वाड्रेंट में कितने तीत है वो आपको डेंटल फार्मूला में बताया जाता है तो so, एक क्वाड्रेंट में देर आर टू इन साइज एज यू कैन सी वन इन साइजर टू इनसाइजर देर आर वन के नाइन एज यू कैन सी देर इज वन के नाइन दिस इज योर कै नाइन देन देर आर टू प्रीमोलर्स इन ईच क्वाड्रेंट सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम देर आर टू प्रीमोलर्स एंड फाइनली देर आर थ्री मोलर्स इन द डायफ यू कैन सी देर आर थ्री मोलर्स सो इस डायग्राम से आपको पता चल गया डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया टू इन साइजर्स वन के नाइन टू प्रीमोलर्स थ्री मोलर्स और ये एक क्वाड्रेंट है फाइन सो so, एक क्वाड्रेंट में आपका 21, 23 हो गया और जब हम डेंटल फार्मूला लिखते हैं हम एक क्वाड्रेंट का नहीं लिखते एक हेमसफेयर का लिखते हैं मतलब ये कि हम एक जॉ का लिखेंगे अपर जॉ या लोअर जॉ सो दिस इज़ वन क्वाड्रेंट दिस इज़ वन क्वाड्रेंट एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग योर जॉ एक जॉ सो so, अगर आप एड भी करोगे टू प्लस टू इज़ फोर थ्री प्लस वन इज़ फोर सो दिस इज एट बाई एट सो so, एक जो हमें आपके सिक्सटीन हो गए और वैसे दो हेमिसफेयर है तो टोटल तो तो आपके थर्टी टू तीत हो गए दैट इज इन केस ऑफ अडल्ट बट वॉट हैपन्स इन केस ऑफ अ चाइल्ड चाइल्ड या टेम्परे या डिसीडियस तीत या मिल्क टीत मिल्क तीत का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है सो वेन वी टॉक ऑफ मिल्क तीथ मिल्क तीत का डेंटल फार्मूला इज योर ट्वेंटी वन जीरो टू

फाइन और उसमें भी मोलर्स में भी अगर आप देखोगे देर इज ओनली टू और अडल्ट में थ्री मतलब ये कि मोलर्स में भी जो थर्ड मोलर होता है दैट ऑलवेज कम्स एज परमानेंट थीथ फाइन उसके अलावा सारे के सारे पहले मिल्क टीथ आएंगे फिर वो गिरेंगे फिर उसकी जगह परमानेंट टीथ आएंगे तो अगर आप यहां पे भी हिसाब लगाओ टू प्लस टू एज फोर प्लस वन एज फाइव बाई फाइव एक क्वाड्रेंट, एक हेमस्फेर में टेन हो गया तो टोटल आपके ट्वेंटी तीत हो गए नाउ इतना पूरा का पूरा आपको समझना है डेंटल फार्मूला अडल्ट का डेंटल फार्मूला मिल्क तीत का आपको याद रखना एक चीज मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा कि हमने डोंट ऑफ डेंटेशन जब बोला था तो हमने क्या बोला था जब हमने बोला था डाईफायो डोंट ऑफ डेंटेशन हमने बोला था टू सेट्स ऑफ तीत अगर एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आउट ऑफ एन टी टू सेट्स कौन कौन से तीत में आ रहे हैं टू सेट्स आपके इंसाइज में आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे टू सेट्स आपके कैनाइन में आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं टू सेट्स आपके दो मोलर में आ रहे बिल्कुल आ रहे हैं सो इनसाइज कैनाइंस एंड फर्स्ट टू मोलर्स दे आर योर डाई फायोडाइप ऑफ डेंटेशन अब डाई की जगह अगर एक ही सेट आए तो उसे क्या बोलेंगे मोनो मोनोफायोडोंट ऑफ डेंटिशन भी अडल्ट में दिखता है डेंटिशन कौन से कौन से तीत में दिखता है डेंटिशन आपके प्री मोलर्स एंड थर्ड मोलर इसमें मोनोफायोडोंट ऑफ डेंटिशन दिखता है दिस अ स्मॉल पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी बस इसलिए मेंशन कर रहा हूं अनलाइकली है कि ये पूछा जाएगा अनलाइकली है कि नंबर ऑफ मिल्क टीथ पूछा जाएगा कौन कौन से तीत आते हैं डायरेक्टली एज परमेंट थीथ दैट इज योर प्री मोलर एंड थर्ड मोलर ये पूछा जाएगा मोनोफायोड डेंटिशियन दैट दिस टर्म विल बी यूज बट इफ इट इज यूज देन यू नो विच टाइप ऑफ टीथ हैज मोनोफायोड ऑफ डेंटिशन सो दैट इज द एंटायर डायग्राम सिक्सटीन पॉइंट टू